तो यार व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो तुम्हारा भाई पोकेवेक्स आ चुका है वापस यूट्यूब पे। और दोस्तों अब मेरी सारी एग्जाम्स ख़त्म हो चुकी है 9 मार्च को, जिसकी वजह आज है 10 मार्च। तो आज ही तुम वीडियो देख पाओगे। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए मेरे एग्ज़ाम्स तुम लोग के विशेष की वजह से, बहुत ही अच्छे गए एग्ज़ाम्स। तो भाई अभी तुम्हारा भाई आ गया वापस यूट्यूब पे, तो वीडियोस तो आनी है अभी। तो तुम लोग देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में भाई एकदम सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स कहाँ से आ गए। तो यार ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने सीक्रेट रखा था, मैंने रिवील भी नहीं किया था कम्युनिटी टैब पे, तो आज हो जाएगा रिवील। तो भाई लोग तो गैस कर लो यार, तुम लोग मन में गैस करना कि कौन सा टॉपिक होने वाला है आज का। तो दोस्तों बेसिकली आज बहुत मज़ा आने वाला है, और टॉपिक के बारे में तो तुम लोग को इंट्रो के बाद ही पता चलेगा। और एक चीज़ मुझे बतानी है कि चैनल पे कोई थोड़ी सजावट हो चुकी है, तो उसे जाके ज़रूर देखना। और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ पोके रेस्क्यू भाई को, जिसने कि हमें, तो मैं पोकेमॉन रेस्क्यू को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने हमें एक अच्छा सा भड़ा सा क्या बोलते उसको बैनर बना के दिया हम लोग को। यार एकदम खतरनाक सा बैनर बना के दिया, एकदम बहुत ही छा गया यार, सबको पसंद आने लगा था यार। अगर तुम लोगों को पता चला होगा कि नहीं पता नहीं, अगर तुम लोगों ने चैनल विजिट किया होगा तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। तो बेसिकली आज का टॉपिक अभी भी मैंने एकदम सीरियसली एकदम ये रखा है, गुप्त रखा है। तो भाई वीडियो इंट्रो के बाद चला दो और इंट्रो बता दो कैसे बनाया, तुम्हारे भाई ने बनाया बहुत मेहनत से, तो बता देना इंट्रो को कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. तो हे यार दोस्तों, फिर से वेलकम कर रहा तुम सभी को मेरे चैनल पे जो है पोकेवेक्स हिंदी, और मैं आ चुका हूँ वापस यूट्यूब पे। और आज लाया एकदम कमाल सा धमाल सा वीडियो। तो आज उस वीडियो के बारे में, अभी उस टॉपिक के बारे में बता ही देता हूँ। शुरुआत से बहुत सारा छुपा के रखा था मैंने इस टॉपिक को, तो चलो यार बता देता हूँ इस टॉपिक को। तो ये हमारा नया कैरेक्टर जो अभी हर एक वीडियो में रहने वाला है। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टॉप फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों तो इसमें उन स्टार्टर पोकेमॉन्स को रखा गया है जो बेसिकली दिखने में अच्छे हैं और कॉम्बैट पावर में भी अच्छे हैं, लुक्स अच्छे देते और अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों तो बेसिकली एकदम अच्छा वीडियो होने वाला है। तो अभी लुक देते हम अपने पाँचवें नंबर वाले पोकेमॉन को, यानी अपने लिस्ट वाले में जो फिफ्थ नंबर पे पोजीशन होल्ड करता है उस पोकेमॉन की तरफ। दोस्तों जो पांचवा पोकेमॉन है वो है ट्रीको। दोस्तों ट्रीको एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है और ये ऑल टाइम फेवरेट मेरा भी एक बेस्ट पोकेमॉन है। मेरे को ये पोकेमॉन बहुत पसंद है, यानी तुम लोगों को पता है मेरे को ट्रीको बहुत पसंद है। तो मेरे बैकग्राउंड में भी मैं स्केप्टाइल को इस्तेमाल करता हूँ। तो बात करते हैं इसके इवोल्यूशन की, तो ये ग्रोवाइल में विकसित होता है बाद में, और बाद में जाके स्केप्टाइल में विकसित हो जाता है, और ये होता है फुल ऑन ग्रास टाइप पोकेमॉन। दोस्तों स्केप्टाइल ऐसा दिखता है, और भाई इसका मेगा इवोल्यूशन के बारे में तो बात ही मत करना। दोस्तों इसका जो मेगा इवोल्यूशन है वो मेगा स्केप्टाइल है। और दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलूँ यार, इसको ड्रैगन गार्डियन ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि स्केप्टाइल जब मेगा इवॉल्व हो जाता है तब वो ड्रैगन प्लस ग्रास टाइप बन जाता है। और दोस्तों स्केप्टाइल की कॉम्बैट पावर और फिर बाकी के परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। हालांकि उसे देखा जाए तो एकदम बढ़िया और तगड़ा पोकेमॉन है जनरेशन 3 का। तो हाँ गाइस, ये है जनरेशन 3 का पोकेमॉन स्टार्टर पोकेमॉन ग्रास टाइप पोकेमॉन स्केप्टाइल। दोस्तों अभी बेसिकली हम जाते हैं चौथे नंबर के पोकेमॉन की तरफ देखते हुए। और दोस्तों आज की लिस्ट में जो पोकेमॉन हमारे फोर्थ पोजीशन पे आता है वो नन अदर देन वो है टोटोडाइल। दोस्तों टोटोडाइल एक पोकेमॉन है जो टोटोडाइल एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, और ये है जोटो रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन जो वाटर टाइप है। टोटोडाइल इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसके लुक क्या है और इसकी पावर तो भाई और बात मत करो, और इसका इवोल्यूशन स्टेज वो तो एलिगेटर भाई साहब बोलो यार एकदम कमाल का। तो यार ये इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसके परफॉर्मेंस की वजह से भाई ये बहुत ही अच्छे लुक्स देता है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है, मतलब बैटल पावर कॉम्बैट पावर से उसके बेस स्टैट्स भी बहुत ही बढ़िया है। और ये अगर इसको बैटल में उतार दिया जाए तो भाई साहब तबाही मचा देगा, अगर वाटर टाइप बैटल रहेगा या फिर कोई और टाइप का बैटल रहेगा तब भी भाई बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों इनिशियली मैं मेरे बारे में बात करता तो यार मैंने भी इसको जोडो रिसर्च के गेम्स में बहुत बार इसे स्टार्टर पोकेमॉन को चुना गया है, मतलब मैंने तो भाई इसे ही चुना है गेम्स खेलने में। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा पोकेमॉन, अब बढ़ते हैं थर्ड।
सो यार गाइस चलो बढ़ते हैं नंबर थ्री की तरफ। दोस्तों नंबर थ्री पे हमारे पास आता है कैंटोरेशन ग्रास स्टार्टर, जिसके बारे में तुम लोग तो जान चुके होंगे यार। वो है हमारा प्यारा बल्बसौर। दोस्तों बल्बसौर इस लिस्ट में इसलिए क्योंकि भाई बल्बसौर एक कर देता भाई पोकेमोन है, और ये इसका यानी कैंटोरेशन का सबसे पावरफुल पोकेमोन है। अगर तुम लोग देखे जाओ कि जिम लीडर्स या फिर इलीट फोर या फिर चैंपियन के साथ देखने जाओगे तो बल्बसौर इज द बेस्ट चॉइस, बट मुझे पता है सब नहीं लेते इसको लिटरली। और बेस्ट चीज बोलो इसका जो किसी फॉर्म यानी जो लास्ट फॉर्म है वो है विनेसोर। और विनेसोर तो भाई कहते एकदम बीस्ट जैसा दिखता है यार। मतलब पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया था गया था कैंटोरेशन के एनिमे में, जब एज का बल्बसौर इवॉल्व होने लगता है, तब ये भाई एकदम सांड जैसा एकदम मस्त तगड़ा सा पोकेमोन दिखाया गया था, एकदम जबरदस्त। और इसके बेस्ट स्टैट्स के बारे में बात करती रहूं, एकदम अव्वल दर्जे के बेस्ट स्टैट्स है, और ये बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा देता है, इसलिए तो हमारी लिस्ट में नंबर थर्ड की पोजिशन पर आने की डिजर्व करता है, और क्योंकि ये बहुत क्यूट दिखता है। ओके सो बढ़ते अभी नंबर टू की तरफ। नंबर टू पे है कार्लोस का वाटर स्टार्टर, जो तो भाई सबको पता ही, प्यारा सा नन्ना सा फ्रोकी। दोस्तों फ्रोकी तो भाई मतलब इसको कौन नहीं जानता यार। कार्लोस रीजन इंट्रोड्यूस होने के बाद भाई सबका ये स्टार्टर पोकेमोन फेवरेट बन चुका है। और जब एश ने इसे कुछ तो अलग सा मेगा इवोल्यूशन दे दिया, मतलब मेगा नहीं एंशिएंट इवोल्यूशन दे दिया था, उसके बाद तो ये भाई खतरनाक ही बन चुका था। दोस्तों ये फ्रोकी एक वाटर प्लस डार्क टाइप पोकेमोन है, मतलब जिंजा में विकसित हो जाता है तब तो ये भाई बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और एश ग्रीन निंजा वाला तो बॉन्ड कुछ और ही है उसमें का, वो उसके बारे में तो बात करने नहीं वाला क्योंकि वो एश का बट हम तो फाइव स्टार्टर पोकेमोन से भाई। इसके अटैक्स भी बहुत बहुत बढ़िया है, जैसे कि वाटर पल्स, फिर उसका वो सीक्रेट अटैक है कौन सा, तो फिर पाउंड वगैरह अलग अलग अटैक्स है, बबल अटैक वगैरह। और ये बहुत ही अच्छा इसकी विकसित इसके जो लाइनअप है वो है फ्रोकी फ्रोगेटियर और ग्रीन निंजा, और हो सके तो एश ग्रीन निंजा, बट वो सिर्फ एश कर सकता है। तो यार फ्रोकी तो बहुत क्यूट दिखता है पोकेमोन, और ग्रीन निंजा तो भाई कहते था भाई है, तो आज इसके इस लिस्ट में इसको सेकंड की पोजीशन पे। तो अब चलते देखते बढ़ते नंबर वन की तरफ। सो आज के वर्ड बढ़ाते हैं नंबर वन पर। दोस्तों नंबर वन पे वो स्टार्टर पोकेमोन है जो बहुत ही फेमस है, यानी मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है यार। ग्रीन निंजा से भी फेमस, मतलब फ्रोकी से भी फेमस है वो पोकेमोन। मतलब तुम लोग अगर कोई कैंटोरेशन का गेम खेलते हो, यानी कोई GBA गेम खेलते हो या फिर NDS गेम खेलते हो, NDS गेम खेलते हो, 2DS गेम खेलते हो, 3DS में हो सकता है 3DS गेम खेलते हो, तो यार जब तुम लोग जाते हो प्रोफेसर के लैब में और स्टार्टर पोकेमोन चूज करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तीनों को देखने के बाद बल्बसौर, स्क्वाटल, चार्मेंडर, इन तीनों को देखने के बाद तुम लोग के तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम्हारे मन में तो जरूर चार्मेंडर ही आता होगा यार। गाइज मेरे भी मन में चार्मेंडर आता है यार, मतलब चार्मेंडर ने कतई दिमाग फाड़ दिया, पब्लिक कर दिया है, क्योंकि चार्मेंडर सबका फेवरेट पोकेमोन है गाइज। बिकॉज चार्मेंडर के लुक्स बहुत अच्छे, वो बहुत क्यूट दिखता है पहले में, फिर वो विकसित होता है चार्मेलियन में, और बाद में जाके बड़े से ड्रैगन में विकसित होता है, बट वो ड्रैगन टाइप नहीं है। क्यों पता नहीं, पोकेमोन कंपनी सर ड्रैगन टाइप क्यों नहीं बना है, बट उसको मूव्स दे दिया, अभी छोड़ो यार उसको। तो फिर वो एकदम मस्त से ड्रैगन टाइप पोकेमोन बन, क्यों बोल रहा हूँ यार मैं ड्रैगन क्यों बोल रहा हूँ, ड्रैगन जैसे दिखने वाला फायर प्लस पोकेमोन बन जाता है। और उसके बाद इतना भी नहीं यार, इसके बाद उसके तो और दो इवोल्यूशंस है, जैसे कि मेगा चेरिजार्ड है, मेगा चेरिजार्ड एक्स है, और मेगा चेरिजार्ड वाई भी है यार। एक है ड्रैगन प्लस फायर टाइप है, और दूसरा है फायर प्लस फ्लाइंग टाइप। दोस्तों तो कमाल के मेगा इवोल्यूशंस है तो चार्जार्ड के, और भाई इसीलिए तो हमारे लिस्ट में ये आता है, ये बंदा पोकेमोन आता है हमारे लिस्ट में। ओके गाइस दोस्तों चार्मेंडर लिस्ट में आता ही नहीं, बल्कि वो नंबर वन पोजीशन को डिजर्व भी करता है, क्योंकि इस पोकेमोन ने पोकेमोन वर्ल्ड में सबके दिलों में छा चुका है पोकेमोन अपना चार्जार्ड, चार्मेलियन और चार्मेंडर। इसलिए आज के इस वीडियो में चार्मेंडर नंबर वन की पोजीशन होल्ड करता है। तो गाइस यार मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब ऑन द नोटिफिकेशन बेल, और आज का वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। और यार गाइस अगर आपके कोई थॉट्स और वगैरह कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज वो कमेंट सेक्शन उसी के लिए भरा पड़ा है। दोस्तों तो आज का वीडियो अगर तुम लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने पोके बडीज के साथ
सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और आज का लाइक गेम रखते हैं, इस वीडियो का लाइक गेम रखते हैं 150 लाइक्स का। दोस्तों ये लाइक गेम बहुत छोटा है, तो तुम लोग मुझे पता है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दोगे तब ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यार मैं अभी वीडियो बंद कर देता हूँ। तो यार मेक श्योर अभी तो मैं रोज वीडियोस अपलोड करूंगा, रोज तो नहीं बल्कि यार दो दिन में एक वीडियो तो आ ही जाएगा। तो तब तक के लिए बाय गाइस और मीट यू इन द नेक्स्ट।